हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए इन कोर्सेज में जो एडमिशन है वो करंटली ओपन है, और ये जो एडमिशन है सभी के लिए ओपन रहते हैं। और ये जो कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग केशवपुरम वाले कैंपस से करवाए जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन में शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले ऊपर जो ब्लिंक कर रहा है लिंक लेफ्ट साइड में, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज और उनका ड्यूरेशन और जो फीस है और किस ट्रेनिंग पार्टनर के कोलेब्रेशन के साथ वो कोर्स करवाया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप देख सकते हो। जैसे लिस्ट ऑफ कोर्सेज के अंदर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, एयरफेयर एंड टिकटिंग हो गया, CRS हो गया, एयरपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, स्किल प्रोग्राम इन फाइनेंशियल मार्केट, ऑफिस ऑटोमेशन इन ई अकाउंटिंग, सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेनोग्राफी का कोर्स है। और भी कोर्सेज में हर एक कोर्स रीड नहीं कर सकता, ये आपके सामने लिस्ट है। फैशन डिज़ाइनिंग का हो गया, फोटोग्राफी फॉर फैशन एंड ई कॉमर्स हो गया, इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन हो गया, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, एक्टिंग फॉर फिल्म हो गया, रेडियो जॉकी हो गया, 3D एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। ये अलग अलग कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फैशन स्टाइलिंग हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स इन IAD ग्राफिक्स हो गया। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। ड्यूरेशन भी अवेलेबल है कोर्सेज की और फीस स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या है जी, आपको किसी भी कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो सिंपली उस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं मान लेते हैं 3D एनिमेशन वाले कोर्स के बारे में मुझे जानना है तो इस लिंक पर मैं क्लिक करूँगा तो ये दूसरा पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो फिर इस कोर्स के बारे में और डिटेल में मुझे बताया जाएगा कि ये जो कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा करवाया जाएगा। कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब चीज़ें बताई जा रही हैं। कंटेंट क्या रहेगा कोर्स का वो सब चीज़ें बताई जा रही हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी हाँ, हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप उस पर्टिकुलर लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे 10+2 कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया हुआ है आपने, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट परसुइंग डिग्री और डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी कॉलेज इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट और अदर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट में ऑल्सो अप्लाई। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप DU में पढ़ रहे हो, आप किसी और कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। क्लासेस क्या है जी, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में क्लासेस लगती हैं। 2-3 क्लासेस लगती हैं एक वीक के अंदर, 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस रहती है। कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कितने आवर्स का है, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस दिया जाता है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। फ़ोन नंबर भी मैंशन है, ये भी आप देख सकते हो। कोर्स फीस में ऑल्सो भी सबमिटेड इन इंस्टॉलमेंट एज़ पर प्रोविजन ऑफ COL DU। तो कोर्स फीस जो ऊपर बताई जा रही है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, जो कि अराउंड आप यहां देख सकते हो फीस 30,000 रुपये बताई जा रही है, तो ये इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो आप अलग अलग प्रोग्राम के लिंक पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई क्लासेज जो होती है इन सारे प्रोग्राम में वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कंडक्ट होती हैं, और स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ फेमिलियर विद ऑल डिटेल बिफोर इनरोलिंग। यानी कि एडमिशन लेने से पहले सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और कोई भी फीस आप पे कर लोगे, एडमिशन ले लोगे, तो उसके बाद वो फीस रिफंड नहीं होगी, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जितनी भी फीस बताई जा रही है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे होगी। स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल क्लासेस एज शेड्यूल बाय द रिस्पेक्टिव कोर्स। जो भी क्लासेस वगैरह का शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और आउटस्टेशन कैंडिडेट कैन ऑल्सो सेंड देयर एप्लीकेशन फ्रॉम कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट वीआ पोस्ट और कोरियर। यानी कि जो दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी पोस्ट या कोरियर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। अब ये तो जानकारी हो गई थोड़ा कोर्सेज के बारे में, अब थोड़ा अप्लाई वगैरह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग लिंक दिए हुए हैं इन लोगों ने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है। तो जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मैं जाता हूँ तो ये एक ऑनलाइन लिंक खुल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। एलिजिबिलिटी बता रहा है हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन सर्टिफिकेट कोर्सेज आर ओपन
राउंड द ईयर यानी कि पूरे साल में लगभग ये एडमिशन चलते रहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, अब एडमिशन प्रोसेस यहाँ समझ लीजिए और डॉक्यूमेंटेशन समझ लीजिए। आपको क्या है जी, फॉर्म डाउनलोड करो, इस लिंक पे क्लिक करके उसको फिलअप करो। उसके साथ साथ दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्ट कॉपी चाहिए। आपका एड्रेस और आईडी प्रूफ, इसमें आधार कार्ड लगा सकते हो, और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अगर हो तो, अगर DU के स्टूडेंट हो तो उसका कॉपी लगा सकते हो। 10+2 की आपको कॉपी लगानी है। 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जी हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। और आपको जो कोर्स की फ़ीस है उसका डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होगा साथ में, ठीक है। और टेक प्रिंट आउट ऑफ द बिलो फॉर्म आफ्टर सबमिशन एंड सबमिट द सेम विद सीरियल नंबर 121F। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म यानी कि जो फॉर्म जो नीचे दिख रहा है इसको भी सबमिट करके इसका प्रिंट आउट लो, वो भी सबमिट कर सकते हो। कुल मिलाकर इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी कोई भी क्वायरी ऐसी हो जो ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो इस एड्रेस पर जाकर आप अपनी क्वायरी रिजॉल्व कर सकते हो, जो कि आपका केशवपुरम वाला कैंपस है और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी केशवपुरम ही पड़ेगा। वहाँ जाकर आप इंक्वायरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरीके का रहेगा दोस्तों। अपने ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना केशवपुरम कैंपस में और वहाँ जाकर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। आपके मन में जो डाउट है कि जो फीस इतनी ज़्यादा हो सकती है किसी भी कोर्स की, तो क्या वो इंस्टॉलमेंट में पे हो सकती है, तो उसका आंसर भी दिया गया है इसमें। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट में पे हो सकती है। उसके लिए आप एक काम ज़रूर करना, जैसे वापसी में एडमिशन 2023-24 वाले लिंक पर आता हूँ, तो जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो ना, उस कोर्स के लिंक पर क्लिक कर लेना। जैसे मैं अभी किसी और कोर्स पे क्लिक करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग पर, इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस लिंक पर मुझे फ़ीस तो दिखाई देगा, वो तो पहले भी दिखा रहा था। यहाँ पे लिखा रहेगा फ़ीस के बारे में डिटेल, यहाँ लिखा रहेगा कोर्स फीस मे बी सबमिटेड इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये लगभग हर एक कोर्स के आगे लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।